सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर देख रहे हैं आप और मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ। आज 18 अक्टूबर है और वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। चंद्रपुर शहर के सुभाष कॉलोनी बंगाली कैंप परिसर में दुपहिया चोरी होने की शिकायत प्राप्त होते ही रामनगर पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर रोहित शेट्टी नामक 28 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार। कड़ाई से पूछताछ करने पर बंगाली कैंप निवासी आरोपी रोहित ने दोपहिया चोरी करने की दी कबूली, जिसके बाद आरोपी के घर से चोरी हुए वाहन के साथ अन्य और 4 दोपहिया वाहनों को किया गया जब्त। भद्रावती में ट्रक का टायर फटने से डिवाइडर से टकराकर पलटी हुआ एक ट्रक। बालासाहेब प्रवेश द्वार के सामने चंद्रपुर से आ रहे ट्रक का टायर फटा, जिसके बाद ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इस हादसे में सौभाग्यवश जीवित हानि नहीं हुई, तो वहीं इस हादसे की पुलिस द्वारा जांच जारी है। पांडर पवनी के आर्यन कोल वॉशरीज कंपनी पुनः शुरू होने के पश्चात पुराने कामगारों को काम पर ना लेने से कामगारों ने पूर्व विधायक एडवोकेट संजय धोटे के नेतृत्व में कंपनी के विरुद्ध शुरू किया आंदोलन, जिसके बाद अगर 8 दिनों के भीतर अन्य मांगों की पूर्तता के साथ अन्य कामगारों को काम पर ना लिया गया तो भाजपा की ओर से तीव्र आंदोलन करने का पूर्व विधायक एडवोकेट संजय धोटे ने कंपनी को दिया इशारा। धामनगांव रेलवे के आजन गांव में एक 23 वर्षीय युवा किसान किरण थाले की खेत में काम करने के दौरान अचानक बिजली गिरने से हुई दर्दनाक मृत्यु। घटना के समय इस जगह अन्य और 5 से 6 किसान मौजूद थे, जिन्होंने किरण को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया, किंतु बिजली की चपेट में आए किरण को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। शीरपुर के पुल से तापी नदी में छलांग लगाकर प्रेमी जोड़े ने किया खुदकुशी करने का प्रयास, जिसमें 31 वर्षीय युवक की हुई मृत्यु, तो युवती को पास ही में मौजूद कुछ लोगों ने बचाने की है खबर। गौरतलब है कि दोनों रिश्तेदार थे, जिनका अलग अलग विवाह हो चुका था। दोनों में प्रेम संबंध की भनक घर वालों को लगी, जिससे दोनों को अपना भविष्य अंधेरे में दिखाई देने लगा। साथ जी नहीं सकते तो साथ मरने के मकसद से दोनों ने आत्महत्या करने की ठानी, किंतु यहाँ भी कुदरत ने एक को मौत और दूसरे को जिंदगी देकर जुदा करने की युवती ने रोते बिलखते हुए दी जानकारी। ठाकरे बिल्डर्स चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरे वाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलिशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरे बाड़ी में जो एक क्लब हाउस है, उसमें आउटडोर के गेम्स के अलावा इंडोर गेम। ठाकरे वाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दिन ब दिन आसमान छूते पेट्रोल और डीजल के दामों ने एक नया विक्रम स्थापित किया है। हवाई जहाज में इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोल के दामों से दुपहिया और चौपहिया वाहन में इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोल का दाम 33% से महंगा हुआ है। साथ ही डीजल के दाम ने भी रिकॉर्ड तोड़ बढ़त हासिल की है। गोंदिया के तिरोड़ा में कोयले से भरी ट्रक ने सामने से आ रही दुपहिया को दी जोरदार टक्कर। इस हादसे में बेटे की मृत्यु होने की खबर है, तो वहीं मां गंभीर रूप से घायल होने से जिला सामान्य रुग्णालय में चल रहा है इलाज। मृतक प्रीतेश और जख्मी मां गोंदिया के भुर्री परिसर के निवासी है, जो दोपहिया से भंडारा की ओर जा रहे थे, किंतु ट्रक की टक्कर के बाद ट्रक के पहियों की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही बेटे की दुखद मृत्यु हो गई।
यवतमाल के स्वर्गीय वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय परिसर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मची खलबली। मृतक व्यक्ति अंदाजन 40 से 45 वर्ष का होकर 17 अक्टूबर की सुबह शिव भोजन केंद्र तथा कैंटीन के पास इस व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शहर पुलिस थाने को जानकारी देने के पश्चात घटनास्थल का पंचनामा किया गया। वही समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान होनी बाकी है। भंडारा के नवेगांव नागजीरा व्याघ्र प्रकल्प में कोका वन्य जीव अभयारण्य से लगकर कोका गांव के समीप जमा पानी के गड्ढों में मृत अवस्था में पाया गया तेंदुआ। मृत तेंदुए की आयु लगभग 6 वर्ष की बताई जा रही है। तो वहीं इस तेंदुए की विद्युत करंट लगने से मृत्यु होने के पश्चात इस परिसर में लाकर फेंक देने की है जानकारी। यवतमाल में एक नराधम ने अपने ही बहन के सहेली पर किया अत्याचार। पीड़ित के पिता या सुरक्षा रक्षक होने से रात की ड्यूटी पर गए, जिसके बाद पीड़िता को अकेला देख इस नराधम ने उठाया फायदा। दूसरे ही दिन इस घटना की विवेकानंद सोसाइटी जामनकर नगर परिसर को मिली जानकारी, जिसके बाद 23 वर्षीय आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। गौरतलब है कि बागा उर्फ अक्षय बगमारे पर पहले से ही कई गुना केस दर्ज है। तो वहीं पीड़ित युवती ये इस नराधम की तीसरी शिकार होने की है चर्चा। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सी टीवी न्यूज़, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।